अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकन, कि लाइकन है क्या, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पीशीज कौन कौन सी हैं, इसको स्पीशी का लेवल पे रख सकते हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कॉमन नेम्स लाइकन के लिए क्या यूज किया जाता है। दूसरा जो लेक्चर आपको हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन, अब सबसे पहले मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में हम किसी भी चीज को क्लासिफाई अगर करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया लेना पड़ता है। अब जनरल में बात करूं, अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए सिमिलैरिटीज में हमें देखनी पड़ती है, प्लस हमें डिफरेंसेस भी देखने पड़ते हैं। यानी इन सिंपल कि किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए होता है कि जिसको बेस बना के, जिसको हम बेस रख के उस चीज को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। तो अब जो लाइकन की क्लासिफिकेशन है इसके लिए भी हम तीन क्राइटेरिया रखते हैं, तीन क्राइटेरिया को यूज करके, तीन बेसिस को यूज करके हम लाइकन को क्लासिफाई करते हैं। तो वन बाय वन तीनों क्राइटेरिया को हम डिस्कस करें तो पहला जो क्राइटेरिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गर कंपोजिशन। कि पहला जो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया को यूज करके हम लाइकन को क्लासिफाई कर सकते हैं, वही है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट। दूसरा कि लाइकन को हम पहले के एल्गल कंपोनेंट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा आल्सो क्लासिफाई लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। तीसरा अगर बात करें, जो तीसरा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम लाइकन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टेलस एंड कि वो थायलस है क्या, देन वो साइल के साथ किस तरह अटैच है, एंड मोड ऑफ अकरेंस कि वो किस तरह अटैच है, किस तरह वहां पे मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं मोड ऑफ अकरेंस। यानी ये तीन क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया को यूज करके लाइकन को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट्स, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस एंड मोड ऑफ अकरेंस। वन बाय वन तीनों क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं और इन क्राइटेरिया के बेस पे हम जो लाइकन उनको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। यानी पहला क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, कि अगर हम फंगल कंपोनेंट को बेस बना के लाइकन को क्लासिफाई करें तो इसकी दो मेन ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंगल कंपोनेंट इन द लाइकन, लाइकन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। द फर्स्ट ग्रुप विच इज ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट इज नॉन एज एस्कोलाइकन। यानी इस लाइकन को हम किसका नाम देते हैं, एस्कोलाइकन। और जो दूसरा ग्रुप है
दूसरे टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, दैट इज नोन एज बैसिलियोलाइक। अब वन बाई वन मैं दोनों को डिफाइन करूं, दोनों को एक्सप्लेन करूं। जो एस्कोलाइकन है, एस्कोलाइकन वो टाइप है लाइकन की कि जिसमें लाइकन की थैलस का या लाइकन का जो फंगल पार्टनर है वो क्लास एस्कोमाइसिट से बिलोंग करता है। जो कि हमने पढ़ा था फंजाई की चार मेन मेमरीज है, चार मेन क्लासेस है, मेस्टिकोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, डियोटोमाइकोटिना। इन चार मेंबर, ये चार मेंबर्स हैं फंजाई के, इन चार मेंबर से कौन सा मेंबर या कौन सा फंगल कंपोनेंट जो है वो मौजूद होता है लाइकन के एसोसिएशन में। तो हमने डिस्कस किया था दो, चार क्लास में, दो क्लास में, एक एस्कोलाइकन और दूसरा बैसिलियो एस्कोमाइसिट और बैसिलियोमाइसिट। ये दो आप कह सकते हैं जो क्लासेस हैं फंगल की, इनसे जो है वो फंगल पार्टनर या फंगल कंपोनेंट वो बिलोंग करता है। अब एस्कोलाइकन वो लाइकन है कि जिनमें बैसिलियोमाइकोसाइट फंगल पार्टनर मौजूद नहीं होता बल्कि एस्कोमाइसिट का जो मेंबर है वो बिलोंग करता है। तो ये लाइकन जो टाइप उसको हम नाम देते हैं एस्कोलाइकन, यानी द टाइप ऑफ लाइकन, द टाइप ऑफ लाइकन इन विच फंगल पार्टनर या फंगल कंपोनेंट इज जनरली बिलोंग टू एस्कोमाइसिन। इस गॉड एस्कोलाइकन, यानी वो टाइप लाइकन की उसको हम एस्कोलाइकन कहेंगे कि जिसका जो फंगल कंपोनेंट है, जो फंगल पार्टनर है, किस क्लास से बिलोंग करो एस्कोमाइसिस। द टाइप ऑफ सॉरी फंगल नहीं, द टाइप ऑफ लाइकन, द टाइप ऑफ लाइकन इन विच फंगल पार्टनर इज जनरली बिलोंग टू एस्कोमाइसिस इज कॉल्ड एस्कोलाइकन। वो वाले लाइकन्स एस्कोलाइकन्स हम उनको कहेंगे कि जिनका जो फंगल पार्टनर है, जो फंगल कंपोनेंट है, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा हो एस्कोमाइसिस। यानी इन लाइकन्स के अंदर मौजूद जो फंगल की फ्रूटिफिकेशन है, जो फ्रूटिंग बॉडी है और जो इनकी स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, वो एस्कोमाइसिट से बिलोंग करती है। यानी इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर कि इनकी जो फ्रूटिफिकेशन है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो एस्कोमाइसिट से ओरिजिनेट होता है। एस्कोमाइसिट से जो स्ट्रक्चर है उससे आप कह सकते हैं रिलेट करते हैं। यानी टोटली हम ही कह सकते हैं एस्कोलाइकन की जो फ्रूटिंग बॉडी है, इनके जो फंगल पार्ट है उनकी फ्रूटिंग बॉडी है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एस्कोमाइसिट से बिलोंग करती है। जो प्रोसेस, जो फिनोमेना एस्कोमाइकोटिना में होता है वो ही इन एस्कोलाइकन होता है। दैट्स व्हाई इसको हम एस्कोलाइकन का नाम भी देते हैं। नाम से ही जाहिर है एस्को जो है किससे है, एस्कोमाइसिट से, कि द टाइप ऑफ लाइकन व्हिच फंगल पार्टनर इज रियली बिलोंग टू द एस्कोमाइसिट इज नोन एज एस्कोलाइकन। अब दूसरी चीज, इसी एस्कोलाइकन की अगर हम बात करें कि इसका जो फंगल पार्टनर, वो फंगल पार्टनर कौन है, एस्कोमाइसिट यानी डियोटोमाइसिट या डियोटोमाइसिट नहीं, तो इसका एस्कोलाइकन का फंगल पार्टनर कौन सा हो सकता है, एल्गल पार्टनर कौन सा हो सकता है। तो हम एल्गल पार्टनर की अगर बात करें, वो क्लोरोफाइसी भी हो सकती है क्लास, और जो दूसरी क्लास साइनोफाइसी है वो भी हो सकती है। यानी या तो साइनोफाइसी के मेंबर होंगे या फिर मैक्सोफाइसी। इन दोनों क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो इस एस्कोलाइकन की एसोसिएशन में इंक्लूड हो सकते हैं। यानी एस्कोलाइकन में जो फंगल पार्टनर है वो कौन सा, एस्कोमाइसिट के मेंबर्स हैं, और जो इस एस्कोलाइकन का जो एल्गल पार्टनर है, एल्गल कंपोनेंट, वो कौन सा है,
या तो वो साइनोफाइसिन हो सकता है, साइनोफाइसिक मेंबर हो सकते हैं, या फिर वो मैक्सो साइनोफाइसी एक ही नाम है, मैक्सोफाइसी हो सकती है, साइनोफाइसी हो सकती है, या फिर क्लोरोफाइसी हो सकती है, यानी दूसरी एक या तो साइनोफाइसी या मैक्सोफाइसी का मेंबर होगा, दूसरा क्लोरोफाइसी, यानी साइनोफाइसी पहले ही बता चुका हूं, एक ही क्लास के दो नाम है, उसी को साइनोफाइसी बोलते हैं, उसी को ब्लूग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसी को मैक्सोफाइसी भी बोलते हैं। अब जो एस्कोलाइकन है, इसके मेंबर जो एल्गल पार्टनर है, वो साइनोफाइसी या मैक्सोफाइसी से हो सकते हैं या फिर क्लोरोफाइसी से भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये एक ही चीज है, मैक्सोफाइसी और साइनोफाइसी, या तो उसका मेंबर साइनोफाइसी से हो या क्लोरोफाइसी, यानी दोनों क्लासेस से हो सकते हैं। और दूसरा, ये जो एस्कोलाइकन है, इसको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एस्कोलाइकन इज फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्रूट एंड वर्म, एस्कोलाइकन्स में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फ्रूटिंग बॉडी कौन सी हो सकती है, उस फ्रूटिंग बॉडी की बेस पे इस एस्कोलाइकन्स को फर्दर जो दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं जिम्नोकार्पी, पहली जो क्लास, पहला जो ग्रुप एस्कोलाइकन का फ्रूटिंग बॉडी की बेस पे वो जिम्नोकार्पी, और दूसरा फ्रूटिंग बॉडी इज एपोथीसियम टाइप। आपको याद हो एस्कोमाइसीमेट में हमने चार फ्रूटिंग बॉडीज की टाइप्स पढ़ी थी, पहली एपोथीसियम टाइप, दूसरे क्लेस्ट्रोथीसियम टाइप, देन पेरिथीसियम टाइप, और लास्ट पे एस्कोस्ट्रोमा। जिम्नोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है, एपोथीसियम टाइप, द टाइप ऑफ एस्कोलाइकन इन विच द फ्रूटिंग बॉडी इज एपोथीसियम टाइप इज नाउन एज जिम्नोकार्पी। और एपोथीसियम टाइप आपने देखा था वहां पे, ये समवट मोर ऑर लेस ओपन स्ट्रक्चर, जिसकी टॉप के ऊपर अगर आप देखें ओपनिंग मौजूद होती है, कि जिससे जब मैच्योर हो जाता है स्पोर्स, वो स्पोर्स इस एस्कोकार्प जो एपोथीसियम टाइप है इससे वो बाहर क्या होते हैं रिलीज होते हैं। इन सिंपल द टाइप ऑफ एस्कोलाइकन इन विच द फ्रूटिंग बॉडी इज एपोथीसियम टाइप इज नोन एज जिम्नोकार्प। दूसरी साइड पेरिनोकार्पी, द टाइप ऑफ एस्कोलाइकन इन विच फ्रूटिंग बॉडी, द टाइप ऑफ एस्कोलाइकन इन विच फ्रूटिंग बॉडी इज पेरिथीसियम टाइप, इन विच फ्रूटिंग बॉडी इज पेरिथीसियम टाइप इज कॉल्ड पेरिनोकार्पी, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसियम टाइप है उसका हम नाम होता है किसका, पेरिनोकार्पी। पेरिथीसियम टाइप जो फ्रूटिंग बॉडी है ये हमने देखा था मोर आर लेस क्लोज स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती। हाँ अलबत्ता जब मेजोरिटी स्टेज आता है उस मेजोरिटी के स्टेज के ऊपर एक आउटर सरफेस के ऊपर एक पोर डेवलप होता है, उस पोर से अगर हम बात करें जो स्पोर जो बाद में लिबरेट होता है, लेकिन शुरू में जो मेजोरिटी से पहले वाला स्टेज आता है उस स्टेज के अंदर इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की जो लाइकन है एस्कोलाइकन उसको हम पेरिनोकार्पी का नाम देते हैं। और पेरिनोकार्पी में मोस्टली जब वो तीन जेनरा एक्सेस करते हैं नेचर के अंदर, यानी थ्री जेनरा
आर जनरली एग्जिस्ट इन द नेचर विच आर बिलोंग टू पेरिनोकार्प, यानी जिनके अंदर जिन एस्कोलेटिन के अंदर क्या चीज हो सकती है, पेरिजिस्म टाइप जो आप इसमें फ्लोटिंग बॉडी मौजूद थे वो कौन से हैं, तीन जनर है, एक जो पहला उसको हम नाम देते हैं कोरम, दूसरा कोरेला और तीसरा डिप्टियोनियम, यानी तीसरा जो जनर जो इस पेरिनोकार्प से बिलोंग करता हुआ डिप्टियोनियम। अब ये जो तीन जेनर हैं ये कॉमन एग्जांपल हैं, ये जो कॉमन नेचर के अंदर मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम पेरिनोकार्पिक का नाम देते हैं, जिनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी वो पेरिजिस्म टाइप है, और इन तीनों में भी जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, कोरा, कोरा मोर कॉमन, यानी सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर इन तीनों में भी वो कौन सा है, कोरा। अब ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, जिसमें हमने पहली क्लास देखी कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू एस्कोलाइटम, और एस्कोलाइटम हमने डिफाइन किया कि जिसमें जो फंगल पार्टनर हो एस्कोमाइसिट से बिलोंग कर रहा हो। फिर इसे फर्दर हमने कहा इसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्रूटिंग बॉडी, एक जेमनोकार्प और पेरिनोकार्प, जेमनोकार्प में एपोजिसम टाइप, पेरिनोकार्प में पेरिजिसम टाइप, तीन इसकी जो कॉमन मेंबर जो हम डिस्कस करते हैं और वो कौन से हैं, कोरा, कोरेला और डिप्टियोनियम। देन बेसिक लाइकन की अगर हम बात करें जो इसकी दूसरी टाइप है, अब एसिडियो लाइकन में डिफाइन करो द टाइप ऑफ लाइकन इन विच फंगल पार्टनर is generally belong to the class Pseudomonas, कि वो टाइप लाइकन की कि जिसमें जो फंगल पार्टनर है वो किससे बिलोंग कर रहा हो, Pseudomonas से, उसको हम नाम देते हैं Pseudomonas, यानी Pseudomonas की जो फ्रूटिफिकेशन है, इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो किससे रिजेंबल करती है, किससे आप कह सकते हैं जो वो मैच कर रही है, Pseudomycota, ठीक है। तो दूसरी टाइप के टाइप ऑफ लाइकन विच फंगल पार्टनर जनरली बिलोंग टू द क्लास Pseudomycetes कॉल्ड Pseudomycota, तो यानी इसका जो फंगल पार्टनर है वो Pseudomycetes से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम Pseudomycetes का नाम देते हैं। और Pseudomycetes की अगर बात करें, इसका जो एनिमल कंपोनेंट है जैसे वहां पे हमने कहा कि जो उसका एल्गल कंपोनेंट है वो या तो साइनोफाइसी का मेंबर होगा या तो क्लोरोफाइसी का मेंबर होगा, यहां पे Pseudomycetes की बात करें तो यहां पे मोस्टली ज्यादा चांसेस यही है कि जो मेंबर है एल्गल मेंबर या एल्गल पार्टनर हो ज़ेंटोफाइसी या जिसको हम साइनोफाइसी का नाम भी देते हैं, इसी से बिलोंग करता है। यहां पे क्लोरोफाइसी का जो मेंबर वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मोस्टली ज्यादा चांसेस कि यहाँ पे सिर्फ साइनोफाइसी या ज़ेंटोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली लाइकन के एसोसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो दूसरी एसोसिएशन है उसको लाइकन वहां पे ज़ेंटोफाइसी के मेंबर्स भी हो सकते हैं और जो दूसरे मेंबर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं क्लोरोफाइसी वो भी हो सकते हैं। ये थी क्लासिफिकेशन पहले क्राइटेरिया के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, एक एस्कोलाइकन और दूसरा Pseudomycetes, जिनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। अब दूसरे क्राइटेरिया की अगर हम बात करें ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट, यानी दूसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट और एल्गल पार्टनर,
कि जो एल्गल पार्टनर है इसकी बेस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एल्गल कंपोनेंट क्या है कि जर्नल जो थैलस है उस थैलस की अगर हम बात करें वहां पे जो एल्गल सेल्स हैं उन एल्गल सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल सेल्स इन द थैलस, कि जो लाइकन की थैलस है उस लाइकन की थैलस में एल्गल सेल्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं लाइकन्स को दो क्लास। पहली जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं होमियोमेरस लाइकन, होमियोमेरस लाइकन। और जो दूसरी टाइप है उसको हम नाम देते हैं हेट्रोमेरस लाइकन, टाइप ऑफ लाइकन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स एल्गल कंपोनेंट्स एज वेल एज फंगल कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थैलस इज नोन एज होमियोमेरस लाइकन। द टाइप ऑफ लाइकन इन विच बोथ द पार्टनर ऑफ लाइकन, इन विच बोथ द पार्टनर ऑफ लाइकन दैट इज एलजी एज वेल एज फंगल हाइफी आर uniformly distributed throughout the thallus, uniformly distributed throughout the thallus. कि वो टाइप लाइगन की कि जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं, दोनों पार्टनर जो लाइगन के एलजी भी और जो फंगल भी दोनों जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थैलस के अंदर, कोई डिस्टिंक्शन वहां पे मौजूद ना हो, थैलस के अंदर कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंट जो जोन्स है वो मौजूद ना हो, बल्कि एक जो हाइफी फंगल की हाइफी मौजूद हो उसी के अंदर अगर हम देखें जो एल्गल सेल वो एम्बेडेड हो एवनली यूनिफॉर्मली विदाउट एनी सीक्वेंस विदाउट एनी रीजन, उस टाइप को हम नाम देते हैं होमियोमेरस लाइकन। इसके अंदर कोई रीजंस की डिस्टिंक्शन, कोई रीजंस की आप कह सकते हैं जो है वो स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि कहाँ पे कौन कौन सी जोन्स हो सकती है, कहाँ पे कौन कौन सी लेयर हो सकती है, बल्कि यूनिफॉर्मली या इवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस पर हम नाम देते हैं होमियोमेरस लाइकन। दूसरी तरफ जो हेट्रोमेरस लाइकन है अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, द टाइप ऑफ लाइकन इन विच द एल्गल सेल्स आर जनरली प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, मोस्टली अपर साइड में, अपर सर्फेस के ऊपर जो एल्गल सेल्स मौजूद होते हैं, देन नीचे वाली साइड पर अगर हम देखें वहां पे फंगल हाइफी मौजूद है, तो इस टाइप को हम नाम देते हैं हेट्रोमेरस लाइकन। द टाइप ऑफ लाइकन इन विच फंगल हाइफी एज वेल एज एल्गल कंपोनेंट या एल्गल सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक जोन्स आर रीजन्स, कि जिनमें वो टाइप ऑफ लाइकन कि जिसमें फंगल हाइफी और एल्गल सेल्स एक स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर मौजूद हो, स्पेसिफिक मैनर के अंदर मौजूद हो, यूनिफॉर्मली या इवनली पूरे थैलस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इस टाइप के जो थैलस उसको हम नाम देते हैं एट्रोमेरस लाइकन। कि वो वाली लाइकन कि जिसमें लाइकन जो है जिसमें फंगल जो एल्गल जो सेल्स हैं और जो फंगल हाइफी है वो इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बल्कि स्पेसिफिक रीजन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, यूजुअली ये होता है कि जो एल्गल सेल्स अपर साइड के अपर सर्फेस के मौजूद होते हैं जो दूसरे नीचे वाली साइड।
तो दूसरा इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो कॉमन एग्जांपल डिस्कस की जाती है हेटरोमेरस लाइगेंड हो गया परमिलिया, परमिलिया वो लाइगेंड है कि जिसके अंदर अगर आप देखें जिस स्ट्रक्चर की बात करें थैलस स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर एल्गल और फंगल की डिस्टेंट हमें लेयर्स मिलती हैं, डिस्टेंट ज़ोन्स रीजंस मिलते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको हम नाम देते हैं हेटरोमेरस लाइगेंड। और होम्योमेरस लाइगेंड की अगर बात करें, होम्योमेरस लाइगेंड की जो एग्जांपल है वो है कोलिमा, कोलिमा इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लास होम्योमेरस लाइगेंड। होम्योमेरस लाइगेंड कि जिसके अंदर कोई डिस्टेंशन कोई लेयर मौजूद नहीं होती, एवनली थ्रू आउट द सेल यूनिफॉर्मली जो एल्गल सेल्स एज वेल एज फंगल लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इसकी एग्जांपल आ जाती है कौन सी, कोलिमा। और दूसरी साइड जो हेटरोमेरस लाइकन है, हेटरोमेरस लाइकन वो वाले लाइकन्स हैं कि जिनके अंदर जो एल्गल सेल्स भी और जो फंगल लाइफ है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक रीजंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसकी एग्जांपल की बात करें परमिलिया, परमिलिया जो हेटरोमेरस लाइकन और दूसरी तरफ जो हम देखेंगे वो है कोलिमा। यानी दूसरा जो क्राइटेरिया है उसको हमने कहा है अगर कंपोनेंट की बेस पे उसकी बेस पे ये दो क्लास हैं, होम्योमेरस लाइकन और दूसरा हेटरोमेरस लाइकन, कि थैलस के अंदर जो एल्गल सेल्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आया वो एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेसिफिक रीजंस के साथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमने देखा दूसरा क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो तीसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, वही है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस एंड दियर मोड ऑफ अकरेंस। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस और मोड ऑफ अकरेंस। तीसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का ये है कि जो लाइकन्स हैं उनकी थैलस किस टाइप की, सिमेट्री मॉर्फोलॉजी क्या होगी, प्लस वो थैलस साइड के साथ कैसे अटैच्ड है, मोड ऑफ अकरेंस क्या है, इसको हम नाम देते हैं थर्ड क्राइटेरिया या किस तरह वहां पे अटैच है, तो ये तीसरा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन। अब इसी बेस पर हम बात करें जो टाइप्स एंड लाइकन्स की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस एंड मोड ऑफ अकरेंस, दीज आर थ्री, पेरिटाइप, क्रस्टोज लाइकन, दूसरे टाइप फोलियोज लाइकन, तीसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन, सेकंड नाम फोलियोज लाइकन, थर्ड नाम फ्रूटिकोज, वन बाय वन हम डिफाइन करते हैं। क्रस्टोज लाइकन द टाइप ऑफ ऑफ लाइकन विच इज जनरली क्रस्ट लाइक, टाइप ऑफ लाइकन विच इज जनरली क्रस्ट लाइक एंड प्रेजेंट ऑन वॉल्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज आर ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड क्रस्टोज लाइकन। वो वाले लाइकन्स कि जिनकी अगर हम शेप की बात करें, जिनकी थैलस की बात करें, वो थैलस किस तरह की होती है, क्रस्ट लाइक होती है, फ्लैट होती है, टोटली अगर हम देखें जो सबस्ट्रेटम है उसके ऊपर मेट की तरह वो अटैच होते हैं, तो दीज टाइप ऑफ लाइकन्स आर नोन एज क्रस्टोज लाइकन। और ये वॉल्स वगैरह के ऊपर मौजूद होते हैं, स्टोन्स वगैरह के ऊपर मौजूद होते हैं,
जो ड्रेस की बॉक्स है वहां पर मौजूद होते हैं, साइल जो सरफेस है बेयर बॉक्स वगैरह बेयर साइल वगैरह वहां पे कंप्लीट कर स्लो लाइक एनालिसिस करते हैं। अगर आप सक्सेशन के बारे में आपने सुना हो या पढ़ा हो तो सक्सेशन में यह है कि जो पायनियर्स रोल प्ले करते हैं वो यही लाइकन से क्रसलोज लाइकन के वहाँ पे जो आगे पहले ग्रो करते हैं उस हैबिटेट के बनाने में, उस हैबिटेट को डेवलप करने में, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, एस्टेब्लिश करने में जो मेन रोल है वह क्रसलोज लाइकन का, उनकी थैलस क्रॉस लाइक होती है, ये साइल के साथ साइल के ऊपर जो है मौजूद होते हैं, वाल्स वगैरह के ऊपर मौजूद होते हैं और टोटली अगर हम देखें ये साइल के साथ अटैच नहीं होते, फ्री होते हैं। जनरल अगर हम देखें किसी पॉइंट एक कोई पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट वगैरह वहाँ पे नहीं होता, जनरल अगर हम देखें जो साइल के साथ स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। दूसरा इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि क्रस्टोज लाइकन में कौन सी ऐसी इसकी स्पीशी अट्रैक्ट करती है क्रस्ट लाइकन या क्रस्टोज लाइकन, वो है ग्राफिस। ग्राफिस लाइकन की वो टाइप है जिसको हम क्रस्टोज लाइकन का नाम देते हैं। दूसरी टाइप फोलियोज लाइकन, द टाइप ऑफ लाइकन होज थैलस इज लाइक अ लीफ, कि वो वाले लाइकन जिन लाइकन की जो थैलस है वो लीफ लाइक होती है, तो इन लाइकन को हम नाम देते हैं इसका फोलियोज लाइकन। द लाइकन होज थैलस इज लीफ लाइक, कि जो लीफ है लीफ की तरह इनका थैलस होता है, इनको हम फोलियोज लाइकन का नाम देते हैं। और इनकी अगर अटैचमेंट की बात करें, क्योंकि मोड ऑफ फकनेस में हम डिस्कस करें तो मोड ऑफ फकनेस या इनकी अटैचमेंट की बात करें तो ये साइल के साथ टोटली जो अटैच नहीं होते बल्कि अटैच ऑनली एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। दीस लाइकन्स अटैच टू द साइल, अटैच टू द साइल एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो इन लाइकन्स को हम नाम देते हैं इसका फोलियोज लाइकन्स। द टाइप ऑफ लाइकन्स व्हिच आर जनरली लीफ लाइक एंड दे आर अटैच्ड टू द साइल ओनली एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, दीस आर नोन एज फोलियोज लाइकन्स। ये टोटली साइल से अटैच नहीं होते, लीफ लाइक होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट्स के ऊपर अटैच होते हैं जिनको हम नाम देते हैं फोलियोज लाइकन्स। और इनकी अगर हम कॉमन एग्जाम्पल की बात करें फोलियोज लाइकन कि कौन कौन से ऐसे लाइकन्स हैं जिनको हम फोलियोज लाइकन्स का नाम देते हैं, तो दो या एक जो इसकी कॉमन एग्जाम्पल हुई है फाइसियम। फाइसियम वो स्पीशी है कि जिसको कॉमनली फोलियोज लाइकन का नाम देते हैं, फोलियोज लाइकन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो शेप है या जिसकी जो थैलस है वो लीफ लाइक और लीफ साइल के साथ कुछ जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अटैच होती है। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल जिसको हम नाम देते हैं परमीडिया। परमीडिया भी लाइकन की वो स्पीशी है जिसको हम फोलियोज लाइकन की क्लास में रखते हैं, क्योंकि इसकी शेप भी जो है वो लीफ लाइक है, जो सिमेट्री जो थैलस है ये भी साइल के साथ जो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अटैच होती है। देन आखिरी जो टाइप है क्लासिफिक जो थैलस की बेस पे या मोड ऑफ फोकस की बेस पे लास्ट जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं फ्रुटिकोज लाइकन। फ्रुटिकोज लाइकन कि जो अपीयरेंस है जो शेप है किस तरह की होती है, शेल इनको हम कॉमनली शर्बी लाइकन्स का नाम भी देते हैं। जैसे इनकी शेप क्रॉस लाइक होती है, इनकी लेफ लाइक होती है, और जो थर्ड वन जिसको हम फ्रुटिकोज लाइकन का नाम दे रहे हैं इनकी जो शेप है वो श्रब लाइक होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज श्रबी लाइकन्स। ब्रांच होते हैं ये, यानी एक से ज्यादा इनके ब्रांचेस होती हैं। ब्रांच के अलावा सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल के अलावा अगर इनकी फर्दर शेप की बात करें रिबन लाइक होती है। ये भी साइल के साथ अटैच होते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है जिसको हम बेसल एंड का नाम देते हैं, उस बेसल एंड के जरिए अटैच होते हैं, बाकी इनकी बॉडी जो है साइल से फ्री है। अटैच टू द साइल, अटैच टू द साइल और सबस्ट्रेटम ऑनली एट दियर बेसल एंड, यानी बेसल एंड कौन सा एंड होता है, वो वाला एंड जो इसका बेस वाला पोर्शन जहां से ये लाइकन जो है वो अपवर्ड हुआ हो या जहां से इसकी बेस है उस बेसल एंड से साइल के साथ सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, बाकी जो इनका एरिया वो फ्री होता है। तो दीज लाइकन्स आर नोन एज फ्रुटिकोज लाइकन। फिर रिपीट कर लो, क्रस्टोज लाइकन क्रॉस लाइक होते हैं, जनरली जो लेयर्स वगैरह वहां पर मौजूद होते हैं, मोस्टली साइल से फ्री होते हैं।
देन एग्जांपल इसकी ग्राफ इज फोलियोज लाइक एंड हमने ये कहा कि ये लीफ लाइक लाइकन्स हैं साइल के ऊपर स्पेसिफिक जो पॉइंट्स के ऊपर क्या होते हैं अटैच होते हैं कॉमन एग्जांपल फाइसी और परमिलिया ये दोनों फोलियोज लाइक लास्ट फ्रूटिकोज लाइक की हम बात करें द लाइकन्स हुज थैलस इज लाइक अ श्रब यानी मल्टी ब्रांच होती है सिलेंड्रिकल होती है इसके अलावा रेबन लाइक की शेप होती है और ये साइल के साथ जो एक जो स्पेसिफिक जो बेसल एंड्स हैं उन बेसल एंड के जरिए वहां पे अटैच होते हैं इस टाइप का नाम होता है किसका फ्रूटिकोज लाइक तो ये था हमारा जो सेकंड लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स में हमें देख रहे हैं देखिए फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट दूसरे जो इसकी क्लासिफिकेशन देखिए जो क्राइटेरिया देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट और थर्ड और आखिरी अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं लाइकन को ऑन द बेसिस ऑफ दियर टाइप ऑफ थैलस एंड मूडा ऑफ तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन